आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु। बेमेतरा जिला पंचायत सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव विधायक नवागढ़ गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक आशीष छाबड़ा, बेमेतरा सहित अधिकारी कर्मचारी किसानों की उपस्थित, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के 1,43,685 किसानों को उनके बैंक खातों में 1,73.9 लाख रुपये अंतरित। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों और किसानों को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम किश्त की राशि का अंतरण किया। आज पूरे प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के लगभग 26.5 लाख किसानों के, गोपालकों के और भूमि मजदूरों के खाते में लगभग 1,804 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया। पहले 2 वर्षों में भी हम लोगों ने इन योजनाओं का राशि किसानों के खातों में हस्तांतरण किया था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में लगभग कोरोना समाप्त है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत इस राशि का हस्तांतरण किया गया। हिंदुस्तान में इस 3 प्रकार की जो योजना हम संचालित कर रहे हैं, किसी भी राज्य के द्वारा ऐसी योजना संचालित नहीं किया जा रहा है। नंबर 1, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा जो हम धान और अन्य खरीफ के फसलों पर राशि दे रहे हैं, पूरे देश में इतनी राशि कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को नहीं दे पा रही है। छत्तीसगढ़ में जो गोबर खरीदी 2 रुपये किलो में हम कर रहे हैं, अभी अन्य 4-5 राज्यों ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने 2 रुपया हम करते हैं, वो 1.5 रुपये किलो से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भी हमारी बहुत अच्छी योजना है और मजदूरों के लिए जो योजना हमने लागू किया है, अभी पूरे देश में कहीं ये योजना लागू नहीं है। 7,000 रुपया प्रति वर्ष लैंड लेस मजदूरों को, जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके खाते में हस्तांतरण कर रहा हूँ। पहली किस्त 71 करोड़, दूसरी किस्त 71 करोड़, आज भी 71 करोड़ 8 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हस्तांतरित किया गया। तो स्वाभाविक है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किसान एकत्रित हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सब लोगों ने सुना है और ये सारा कार्यक्रम किसानों के लिए, गोपालकों के लिए, मजदूरों के लिए था। इसलिए छत्तीसगढ़ की